वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इन स्केल में यूज होने वाला डिस्प्ले अटैच जो पीसीबी बोर्ड आता है, और वो पीसीबी बोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो देख पा रहे हैं ये डिस्प्ले का बैक साइड है, और यहाँ पे देखिए इसका डिस्प्ले फ्रंट साइड में। ज़्यादातर जो इन स्केल होता है वो हैंगिंग स्केल में ए बोर्ड यूज होता है, ए इसी का डिस्प्ले अटैच पीसीबी बोर्ड। और इसके पीछे सर्किट होता है, यह डबल लेयर पीसीबी होता है इसमें। अब पीछे देखिए इसका कनेक्शन है मेरे, यहाँ पे देखिए जहाँ पर ट्रांसफार्मर लिखा है यहाँ पे एक और दो पे आपको ट्रांसफार्मर का बराबर लगाना है। और यहाँ पे 3-4 जो पिन है आपको 3 में बैटरी का नेगेटिव, 4 में बैटरी का पॉजिटिव लगाना है। 5-6 जो है इसमें आपको ऑफ ऑन स्विच पे लगाना है। हो गया आपका इसका सीपीयू का कनेक्शन। इसके बाद आता है पीछे जो कि लोड सेल का कनेक्शन। आपको यहाँ पे देख आसानी से देख देखिए कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसके प्रिंटेड बोर्ड है। अब देखिए पहले ग्राउंड होता है, उसके बाद 5 वोल्ट, उसके बाद SE-SE+ इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कीपैड का कनेक्शन, पहले हो गया इसका कॉमन, उसके बाद मोट, उसके बाद MR, उसके बाद M+, उसके बाद टेयर। यहाँ पे पहला जो पिन होता है ये कॉमन पिन होता है, दूसरा पिन में आपको मोट ऑप्शन मिलेगा, तीसरा पिन में आपको मिलेगा यहाँ पे MR, चौथा पिन में आपको मिलेगा M+, और एकदम जो 5 नंबर पिन होता है इसमें आपको टेयर मोड मिलेगा। इसी के आप चलिए दूसरा देखिए पीसीबी का इस साइड आपको मिलेगा 14 पिन का जो फ्लैट FRC केबल रहता है उसका डिस्प्ले का कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 14 पिन का वो FRC केबल कनेक्ट जो कनेक्टर होता है वो आसानी से यहाँ आ जाएगा। और इसका जो डिस्प्ले का देखिए यहाँ पे ये फ्रंट का ये डिस्प्ले लगा रहता है। इसका डिस्प्ले का जो साइज होता है 0.8 इंचिस का डिस्प्ले है। और इसके साथ और एक जो इंडिकेटर होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, आपको अलग से लगाना होता है। और जो बाजार होता है ये भी यहाँ पे इनबिल नहीं रहता है, इसको आपको लगाना होता है। क्योंकि ये जो पीसीबी बोर्ड है ये LED का कनेक्शन और बाजार का कनेक्शन, पीसीबी बोर्ड में जो यहाँ पे LED का कनेक्शन होता है और इसमें आपको जो पिन होता है वो पिन यहाँ पे नहीं रहता है, आपको यहाँ पे वायर सोल्डर करना पड़ता है और बाजार लगाना होता है यहाँ पे आपको बाजार लगाना है। यही है इसका कनेक्शन और कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे CPU कनेक्शन लगेगा, जो पहले होगा ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट, उसके बाद बैटरी, उसके बाद आएगा स्विच, दोनों दोनों में होगा, एक और दो में आपको ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट, 3 नंबर और 4 नंबर इसमें आपको लगाना है, 3 में आपको लगाना है बैटरी का नेगेटिव, और जो 4 नंबर इसमें आपको लगाना है 4 पे बैटरी का पॉजिटिव, 5-6 आपको यहाँ पे ओपन स्विच पे लगाना है और कुछ नहीं है। आपको इसे पीछे आना है, यहाँ पे देखिए पहले लोड सेल इसमें कनेक्शन होता है, जो पहले नंबर पे आएगा ए नेगेटिव ग्राउंड है, इसमें ग्राउंड आएगा, उसके बाद 5 वोल्ट, उसके बाद SE- और SE+ इधर आपको मिलेगा कीपैड का कनेक्शन। पहले आपको यहाँ पे मिलेगा ग्राउंड, उसके बाद मोड, उसके बाद आएगा MR, उसके बाद M+, उसके बाद टेयर। एकदम इजी कनेक्शन है। और इधर आएगा आपको डिस्प्ले, यहाँ पे आपको 14 पिन डिस्प्ले का कनेक्ट मिल जाएगा कनेक्टर, जो कि आपको इस डिस्प्ले के साथ तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिस्प्ले लगाना है तो आपको बाहर में आप 14 पिन कनेक्शन करके आप लगा सकते हो। उस डिस्प्ले में आपको बाहर में आप आराम से दूसरा एक डिस्प्ले लगा के दूसरा साइड से आप देख सकते हो, लेकिन आपको इनबिल्ट यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा रहेगा जो कि पीसीबी का ये फ्रंट साइड होता है। इस पीसीबी में इस टाइप आपको लगा रहता है हैंगिंग स्केल में, तो इसमें क्या होता है फ्रंट साइड में ये डिजिट आपको आसानी से दिख जाएगा, लेकिन आपको किसी भी कारण पीछे देखना है तो आपको अलग से डिस्प्ले लगाना होता है, उसका ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर दिया है, इस जगह पे आपको लगाना होता है। यहाँ पे 14 पिन का जो FRC कनेक्टर रहता है वो केबल से और कनेक्टर से आपको अलग से डिस्प्ले लगाना होता है। इस बोर्ड अभी मार्केट में अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और लॉन्गजेविटी की बात करें तो ये लॉन्गजेविटी बहुत, मैंने इसको यूज कर रहा हूँ, अच्छा लॉन्गजेविटी दे रहा है।
इसमें कोई इशू नहीं। अब इससे डिस्प्ले अटैच और भी मॉडल आता है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो सर्किट होता है कंपोनेंट्स, इसको रिपेयर आसानी से किया जाता है। मार्केट में अभी दूसरा भी मॉडल का बोर्ड है जिसमें आपको SMD कंपोनेंट्स मिलेगा, उसमें आपको रिपेयरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि SMD कंपोनेंट्स चेंज करने के टाइम आपको वो मिलने भी आसानी होता नहीं क्योंकि वो ज़्यादातर मार्केट में आता नहीं है, लेकिन इसमें आपको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। इसलिए इस बोर्ड में ज़्यादा चालू है मेरे यहाँ, और इसका जो कंपोनेंट्स है आप इजी मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर ये बोर्ड यूज होता है। और जो डिस्प्ले होता है ये आपको तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सकते हो और इसको भी आप चेंज कर सकते हो। कुछ SMD बोर्ड होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस है डायोड, इसमें थोड़ा SMD लगा होता है, तो उसमें क्या होता है वो नहीं मिलेगा तो आपको नया बोर्ड लगाना होता है, लेकिन इसमें आप एक एक करके हर पार्ट्स को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो IC है ये प्रोग्रामेबल IC है, इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको ये ज़्यादातर प्रोग्राम इनबिल्ट आता है, आप खुद से प्रोग्राम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कंपनी आपको एकदम वहाँ से प्रोग्राम करके भेजता है। यही है इस PCB के बारे में। और कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, और इसका प्रोग्राम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।